गूगल कैमरा 9.2 का पोर्ट चाहिए अगर आपको कोई भी एंड्रॉयड डिवाइस के लिए, जिसमें कि आपका स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर देखने को मिलता है और प्लस आपको एंड्रॉयड 12 या एंड्रॉयड 13 देखने को मिलता है, तो काफ़ी ईजिली आप ये ऐप को ट्राई कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा आपको कुछ इंस्टॉल करने के बाद लुक देखने को मिल जाएगा और ये आपका एकदम लेटेस्ट गूगल कैमरा का पोर्ट है जो कि 9.2 है। और इसमें आपको क्या नया फीचर्स देखने को मिलता है, तो देख सकते हैं आपको टॉप में जो है आपका ऑटो ब्राइटनेस और मैनुअल का, और आपको बाकी जैसे कि प्रोफाइल का ऑप्शंस देखने को मिल जाता है जो कि आप टैप करके डिफरेंट प्रोफाइल्स में चेंज कर सकते हैं। तो ऐसा आप कुछ टॉप में फीचर्स देखने को मिल जाता है जो कि देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको जो प्रोफाइल्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो कि अपने हिसाब से आप कॉन्फ़िग डाल के भी जो उसको सेट कर सकते हैं, और फिर जो भी टैप कीजिए वापस स्विच हो जाएगा उसी सेम सेटिंग्स में आपका कैमरा आप। तो ऐसा आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाता है और उस पर करते हैं डिफ़ॉल्ट पे और फिर जाते हैं नीचे। तो नीचे आपको देखने को मिल जाता है नॉर्मल वही पोर्ट्रेट, फोटो, नाइट साइट और आपको वही बाकी ऑप्शंस देखने को मिल जाता है। बट अभी आपको कुछ और भी एडिशनल ऑप्शंस देखने को मिलता है। तो ये आपका हो गया फोटो सेटिंग्स, जो कि इसमें आपको जो है अगर आप रहिएगा नॉर्मल फोटोज़ में तो आपको नाइट साइट में ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा, आपको जैसा भी चाहिए प्रो प्लस HDR एनहांस प्लस ये सब ऑप्शंस देखने को मिलता है, और साथ ही साथ आपको जो टाइमर ऑफ ऑन ये सब तो नॉर्मल सेटिंग्स है, बट ऐसा कुछ लुक और UI देखने को मिलता है। अब आपको नाइट साइट और पैनोरामा का ऑप्शन देखने को मिलता है, बट अभी आपको जो है और एक ऑप्शन देखने को मिलता है जिसमें कि आप एक्सपोजर और ये सब नीचे से ही टैप करके सेट कर सकते हैं। एक्सपोजर हो गया, फोकस हो गया, शटर स्पीड हो गया, ISO हो गया, ये सब आपको ऑप्शंस अभी आपको नीचे देखने को मिलता है। पहले आपका टॉप में ही बीच में ही आता था, अभी आपको नीचे परफेक्ट सेटिंग्स देखने को मिल जाता। तो ये अभी आपका कुछ नया देखने को मिल रहा है आपका गूगल कैमरा 9.2 का अपडेट में। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं, आपको नया UI और नया कलर्स देखने को मिलता है। मतलब हर ऐप में जो ऑब्वियसली पोर्ट है तो चेंज अपने हिसाब से जो भी डेवलपर हो तो कर लेता है, और आप कैमरा सेटिंग्स पे जाइएगा तो आपको डिफ़ॉल्ट जो है इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। जैसे भी आपको इंटरफेस चाहिए वो आप सिलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं, और मोस्ट ऑफली डिफ़ॉल्ट में रहने दीजिए, नहीं तो आपको बार बार ट्राई करते रहना, जो आपका डिवाइस में परफेक्ट चल रहा है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको लेंस सेटिंग्स और फिर आपको वाटरमार्क, आपका कस्टम फाइल्स या कॉन्फ़िग फाइल्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, फिर बाकी आप कैमरा सेशंस और बहुत ही ऑप्शंस आपको देखने को मिलता है। एडवांस्ड में भी आपको जो अच्छा ऑप्शंस देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी कम कैमरा ऐप्स में ये सब देखने को मिलता है गूगल कैमरा वाला पोर्ट में। तो वही आपको इसमें देखने को मिल जाएगा रिच कलर इन फोटोज़, ये आपको नया देखने को मिलता है। तो आप ट्राई कर सकते हैं, पहले आपका P3 आई के साथ आता, अभी आपका रिच कलर इन फोटोज़ आने लगा, तो ये आप ट्राई कर सकते हैं, अनेबल कर लीजिए। और टाइम लैप्स का ऑप्शन है, अनेबल एस्ट्रो फोटोग्राफी, ये भी आपको पहले देखने को मिलता था। वीडियो स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है, और नीचे आपको और भी जो है डेवलपर सेटिंग्स अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं अगर आपको पता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डीप है ये, ट्राई करते रहिए कुछ ना कुछ क्रैश करते रहेगा या काम करेगा, कोई ठिकाना नहीं इसका। और आपको फिर डिवाइस इन्फो देखने को मिलता है जो कि आप ट्राई कर सकते हैं। तो बस ये आपका गूगल कैमरा का लेटेस्ट पोर्ट, अगर आपको चाहिए लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, जाओ 350 MB का जो ऐप है डाउनलोड करो, यूज़ करो, बताओ कैसा लगा नया ऐप, नया फीचर्स। और वीडियो पसंद आया, ऐप पसंद आया तो पहले एक लाइक मारो, नीचे कमेंट करो, सजेस्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टैप करो, नोटिफिकेशन कॉल मेरे को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।